पुत्रों ने माँ बाप को घर से निकाला, शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, मिला न्याय। जिन बेटों को बुढ़ापे की लाठी समझकर माँ बाप ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए पाला और खुद से ज्यादा प्यार किया, वही बेटा सहारा तो दूर अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए जानी दुश्मन बने। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये बुजुर्ग दंपति अपने बेटे बहू के खिलाफ न्याय की गुहार को लेकर जिला कलेक्टर पहुंचे। तो सर आज भी जो आपने कोई गो आवे सरकारी नहीं आवता, पेंशन भी जावे आपने कितनी आवे सर? दरअसल पूरा मामला पाली जिले के गुड़ा एनला थाना क्षेत्र के खूनी गुड़ा गांव के निवासी 69 साल के गढ़ा राम और उनकी पत्नी मुड़ी देवी का है। 3 दिन पहले उन्होंने जिला कलेक्टर को गुहार लगाई थी कि उन्हें उनके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में खेत के एक झोपड़े में वो रह रहे हैं। व्रत होने के कारण वो काम भी नहीं कर पाते तथा व्रत गणाराम ने ये भी बताया है कि एक हाथ से लकवा हो रखा है तथा एक आँख से कम दिखाई देता है। उम्र 69 साल हो गई है, इस उम्र में मैं कैसे खुद का गुजारा कर सकूं? खेत में लाइट भी नहीं है, ऐसे में रात में मच्छर भी काटते हैं। इसी को लेकर जिला तो दासा आप लारे वाड़ा वाड़ा में खेत में यूं जाओ में क्यों बेटा आप झोपड़ी बने करो बासी नहीं रेवा दे बेटा घर में क्यों सा कोई दगे बेटो सा मैं बेटो रो कोड़ो कोई दगे हम भय रही के लागे वा में ने बारे काडो न ने बेटो को मांगे किदा बेटा साहब रे 3। अच्छा कलेक्टर अमित मेहता ने एसडीएम को निर्देश दिए तथा जांच कर वर्त दंपति को राहत दिलाई। इस दौरान रानी एसडीएम रविकांत सिंह गुड़ा एनला, एसएसओ रविंद्र पाल सिंह मय पुलिस जाप्ता द्वारा उन्हें न्याय दिलाया गया तथा उनके गांव जाकर दर दर की ठोकरें खा रहे बुजुर्ग माँ बाप को उन्होंने घर दिलाया था।